किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अपने कर्मों से डरिए भगवान से नहीं, कर्मों से डरिए भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान तो माफ भी कर देते हैं लेकिन कर्म कभी नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल होंगे और अच्छे कर्मों को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई समस्या, किसी जाने अनजाने कर्म की वजह से भाग्य अच्छा नहीं चल रहा, परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो क्यों ना इस कहानी के मर्म को समझ लिया जाए जो कि ये बताती है कि कर्म ही आपके भाग्य को बना सकता है और कर्म ही आपके भाग्य को बिगाड़ सकता है। तो बात करेंगे एक बड़ी खूबसूरत कहानी की। ये कहानी है दो भाइयों की। दो सगे भाई थे, उन्होंने अपने गुरुओं से शिक्षा ली। माता पिता बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बड़े संस्कारी ज्ञान दिए। पूजनीय आचार्यों से उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन पाया। अच्छे अच्छे मित्रों ने बड़ी सलाह दे रखी थी। उन्होंने वर्षों का अध्ययन किया, चिंतन किया और अन्वेषण करने के बाद जाना कि दुनिया में सबसे बड़ा काम जो इंसान के करने का है वो है अपनी आत्मा का उद्धार करना। मूर्ख व्यक्ति इसे कभी नहीं समझ सकता। वो पत्ते पत्ते को सींचते फिरते हैं, फिर भी पेड़ मुरझाता ही चला जाता है। और ज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा रूपी जो एक छोटी सी चीज उसे मिली है, उसके संस्कारों को और बेहतर बनाता जाता है और निश्चित रूप से एक ऐसा वृक्ष लगाता है जो उसके इस जीवन को ही नहीं, जीवन के पार के जीवन को भी बहुत विशेष बना देता है। संसार की अनेकों समस्याएं जो कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, जो कुछ भी हैं, इस एक बात पे ही निर्भर है कि आदमी यदि ईमानदार हो जाए, अच्छे काम करे और अपनी आत्मा का कल्याण करने के बारे में सोचे, तभी उसका उद्धार इस भव सागर रूपी संसार से हो सकता है। अब ये दो भाई थे शंख और लिखित। ये दोनों इस तत्व को अच्छी तरह से जान गए थे और इसलिए वो दोनों तपस्या करने लगे। पास ही दोनों के दो कुटिया थी और मधुर फलों के वृक्ष से वह स्थान और भी सुंदर और काफी सुविधाजनक था। दोनों भाई अपनी अपनी तपोभूमि में तप करते और यथा अवसर आपस में मिलते जुलते थे। एक दिन की बात है कि लिखित जी भूखे थे। वो भाई के आश्रम में गए और वहां से कुछ फल तोड़ कर ले आए। उन्हें खा रहे थे कि उनका दूसरा भाई शंख वहीं आ गया और उन्होंने पूछा, ये फल तुम कहाँ से लाए? तब लिखित ने हंसकर उत्तर दिया, आपके आश्रम से। अब शंख यह सुनकर बड़े दुखी हुए। फल स्वयं कोई बहुत मूल्यवान वस्तु नहीं थे। दोनों भाई आपस में फल लेते देते भी रहते थे, किंतु उनकी नज़र में ये एक चोरी थी। बिना पूछे नहीं उन्होंने कहा, भाई ये आपने बुरा कर दिया। किसी की वस्तु बिना पूछे लेने से आपको चोरी का पाप लग गया। अब लिखित को ये पता चला कि वास्तव में उसने पाप किया है और पाप के फल का बिना भोगे छुटकारा नहीं हो सकता। अब दोनों भाई इस समस्या में उलझ गए कि क्या करना चाहिए। पाप का फल तुरंत ही मिल जाए तो ठीक है, वरना प्रारब्ध में आगे चलकर वो बढ़ता ही जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। निश्चय हुआ कि इस पाप का फल शीघ्र ही भोग लिया जाए, क्योंकि दंड देने का अधिकार राजा को होता है। इसलिए लिखित अपने कार्य का दंड पाने के लिए राजा सुदुम्न के पास पहुंचे। इस तेज मूर्ति तपस्वी को देखकर राजा सिंहासन से उठ गए और बड़े आदर के साथ उन्हें उच्च सिंहासन पर बिठाया। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़कर उस तपस्वी से पूछा कि महाराज कहिए, मेरे योग की क्या आज्ञा है? तब लिखित ने कहा, महाराज मैंने अपने भाई के पेड़ से चोरी करके फल खाए हैं। मैंने उससे बिना पूछे उसके मधुर फल ले लिए, सो आप मुझे दंड दीजिए, इसलिए आपके पास उस दंड को लेने में आया हूँ। अब राजा बड़े असमंजस में पड़ा। इस छोटे से अपराध पर इतनी बड़ी तपस्वी को वो क्या दंड दे, और वह भी ऐसे समय जबकि स्वयं अपना अपराध स्वीकार करते हुए दंड पाने के लिए आया है। राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब तपस्वी ने उनके मन की बात जान ली और उन्होंने न्यायाधिपति से स्वयं ही पूछा कि बताइए, शास्त्र के अनुसार चोरों को क्या दंड दिया जाता है?
न्यायाधीश ने अपनी ओर से बिना कुछ कहे शास्त्र का चोर प्रकरण निकाल लिए और उसमें विधान था कि चोर के हाथ काट दिए जाए। बस इतना सुनना था कि लिखित ने उसको ना कुछ कम करने कुछ सही करने की बात कही। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे यही दंड चाहिए। तपस्वी ने कहा, न्याय दंड किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। व्यक्तियों का ख्याल किए बिना निष्पक्ष भाव से जो व्यवहार किया जाता है वही सच्चा न्याय है। राजन, तुमने मुझसे आते समय ये पूछा था कि मेरी क्या आज्ञा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि शीघ्र ही मेरे दोनों हाथ कटवा डालो। अब राजा विवश था, उसने तपस्वी की आज्ञा का पालन करना ही पड़ा। उसने अपराध का दंड पाकर तपस्वी लिखित प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट आए। अपने भाई की कर्तव्य परायणता और कष्ट सहनशीलता को देखकर शंख का गला भर आया। वो उसके गले से लिपट गए। शंख ने कहा, अपराधी हाथों को लेकर जीने की अपेक्षा बिने हाथों के जीना अधिक श्रेष्ठ है। लिखित, पाप का फल पाकर अब तुम विशुद्ध हो गए। शंख के आज्ञानुसार लिखित ने पास की नदी में जाकर स्नान किया। लेकिन हैरानी की बात थी कि चूंकि यह सत्ययुग का समय था और व्यक्ति की तपस्या आराधना का फल भी उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाता था, स्नान करते ही उनके दोनों हाथ आ गए। अब उनके हाथों को देखते हुए उनका भाई दौड़कर उनके पास आया और आश्चर्यपूर्वक देखने लगा। शंख ने कहा, भैया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम लोगों की तपस्या के कारण ही ये क्षतिपूर्ति हुई है। अब लिखित ने और अधिक अचंभित होकर पूछा, यदि हम लोगों की इतनी तपस्या है तो क्या उसके बल से उस छोटे से पाप को दूर नहीं किया जा सकता। शंख ने कहा, नहीं, सिर्फ पाप ही ऐसा है जिसका परिणाम भोगना ही पड़ता है और उसे भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, याद रखिए, हम तो जिंदगी में न जाने कितने पाप, न जाने कितनी बुराइयां करते रहते हैं। अपने जीवन में एक चीज का नियम बना लें कि किसी के लिए बुरा जाने अनजाने कभी भी ना करें, क्योंकि इस पाप का फल आप कभी भी चुका नहीं पाएंगे। और ये ब्यास समेत जब आपको मिलता है तब आप अपना भाग्य, अपना नसीब सिर्फ उसको कोस ही सकते हैं, उसमें बदलाव किसी रूप में नहीं कर सकते हैं। तो किसी आह लेने के बजाय अपने अच्छे काम को निरंतर करते रहें। कोई ना कोई वक्त, कोई ना कोई कर्म आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा।